मैं एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, 99% लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता कि सी का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली में जैसे क के के ख के के ख के के ग के जी ख के जी एच होता है, बट यहाँ सी के बाद अगर क, सी के बाद क और स हो जाता है यहाँ का उसका अर्थ। देखिए यहाँ का सी का उच्चार क और स हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो उसका उच्चार स होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, रिसीव रिसीव हुआ, राइस हुआ, सिनेमा हो गया, फीस हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी के बाद आया हुआ है। देखिए यहाँ पर रिसीव में देखिए आर ई सी ई आई वी ई, यहाँ सी के बाद ई आया है। देखिए उसको हमने स पढ़ा। यहाँ पर यहाँ राइस देखिए आर आई सी ई राइस, राइस मतलब चावल, आर आई सी ई राइस मतलब चावल होता है। रुको थोड़ा इसको मैं जूम करता हूँ, ज़्यादा जूम हो गया, इसको कम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सिनेमा, देखिए सी के बाद आई आया है, इसको इसीलिए हम स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिनेमा, सिनेमा मतलब चित्रपटक। ये मैं जो चीज़ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 99% लोगों को नहीं पता, मैं इतना 100% बोल रहा हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और देखिए यहाँ पर साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान, सी के बाद वाई आया। देखिए यहाँ पर सही पढ़ा गया, साइक्लोन साइक्लोन मतलब तूफान। यहाँ पर नीस नीस मतलब भतीजा। देखिए यहाँ पर पीस पीस मतलब टुकड़ा, सेंचुरी सेंचुरी में शताब्दी। यहाँ पर लिखिए आइस आइस मतलब बर्फीला, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। यहाँ पर कोई अगर आया तो उसको मैं सेलिब्रेट कैसे करते हैं, यहाँ पर सी ई एल ई वी ए आर टी ई सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब उत्सव। यहाँ पर देखिए और उसी तरह अगर कब, उसको कब कब पढ़ते हैं, कब कब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सी के बाद अगर ए ओ यू के आर टी आए तो उसको हम कब पढ़ते हैं, प्राय वो क ही पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर कॉट, कॉट मतलब चरपाई। सी के बाद के आया है, ए आया है ना कैट, कैट मतलब बिल्ली। कैप सी ए पी कैप, कैप मतलब टोपी। कैंडिडेट मतलब सदस्य। काउ मतलब गाय। कैटल मतलब पशु या जंतु। लॉक एल ओ सी के। देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ फिर से बता देते हैं, सी के बाद ए ओ यू के आर टी कोई वर्ड हो तो प्राय उसका अर्थ क ही होता है, उसका उच्चार क ही होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, डॉग डॉग मतलब बंदरगाह। कटिंग कटिंग मतलब काटना, सी यू टी डबल टी आई एन जी कटिंग, कटिंग मतलब काटना। कर्स कर्स मतलब कोसना, सी यू आर एस ई। यहाँ पर देख कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज। अब इसी के साथ में पढ़ लेते हैं, कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए आए तो उसको सकत ध्वनि पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सोशल, सी ओ सी सी ओ रॉन्ग सॉरी यस ओ सी आई ए एल सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब संगीत। यहाँ पर सी के बाद आई ए आया है, यहाँ पर देखिए सी के बाद ई ए आया है, तब पर भी स्वकद होने निकला है। यहाँ पर सोशल में देखिए सी के बाद आई ए आया है, इसलिए इसका सही पढ़े हम। उसी तरह हम देखिए जी का अर्थ उच्चारण क्या होता है, जी का, जी के उच्चारण देखिए ग और ज भी होता है, जबकि यहाँ पर अंत में अगर जी ई आया तो उसका उच्चारण ज होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में एज, एज लास्ट में जी के बाद ई आया है तो उसका एग्जाम्पल एज में। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर एज एज मतलब आयु, पेज पेज मतलब पृष्ठ, रेज मतलब गुस्सा। इसी तरह वीडियो को देखते जाओ और शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। इसी देखिए जब, जब कब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जिंजर, जिंजर जिंजर मतलब आदि। इमेज मतलब कल्पना। जर मतलब कीटाणु। जी मतलब कीमती पत्थर। ज्येष्ठ मतलब यार। ज्येष्ठ मतलब सार। शेष स्थलों पर बधा हुआ उसका गर्व अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर लिखिए बैग लिखा है, बिग लिखा है, हैंग रखा है, मतलब हैंग मतलब लटकाना, गो मतलब जाना, गोल्ड मतलब सोना। उसी तरह यश का उच्चारण हम पढ़ते हैं यहाँ पर। बस इतना, पहले वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर देखने के लिए कमेंट करो।